कौन यूट्यूबर क्या कह रहा है, कौन डाइटिशियन क्या कह रहा है, उन सभी बातों को साइड में रखिए और सुनिए अपनी बॉडी की। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में कोई प्रोटीन पाउडर, कोई सप्लीमेंट और कोई फैट बर्नर रिकमेंड नहीं करने वाला। जो चीज़ मैं खुद नहीं खाता वो मैं दूसरों को भी रिकमेंड नहीं करता। हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्किनी फैट लॉस के लिए क्या क्या फूड्स अवॉइड करना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे कि स्किनी फैट वाले लोगों को क्या क्या खाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। स्किनी फैट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जिनका BMI नॉर्मल है लेकिन फिर भी उनके बॉडी में फैट है, तो उन्हें और वेट लॉस नहीं करना है। उनका फोकस सिर्फ होना चाहिए मसल ट्रेनिंग के ऊपर। इसीलिए उन्हें डाइट में भी कुछ कम नहीं करना है, सिर्फ उन्हें रिप्लेस करना है बैड फूड्स को गुड फूड्स से। तो आज हम बात करेंगे कि स्किनी फैट पीपल को क्या क्या गुड फूड्स अपने डाइट में ऐड करना है। नंबर वन, होल ग्रेन्स, वीट, जौ, ज्वार, बाजरा, ओट्स, बहुत सारे। तो ये सब होल ग्रेन्स आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, आपका फैट लॉस होने में हेल्प होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सब ग्रेन्स फाइनली नहीं पीसा होना चाहिए। अगर ये फाइनली पीसा होगा ना, तो ये मैदा की तरह हो जाएगा, जो कि रिफाइंड ग्रेन्स के कैटेगरी में आता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। बेटर है कि इन सभी को आटा के फॉर्म में खाइए। अगर दलिया के फॉर्म में मिलता है तो आप वैसे भी खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको मिलेगा फाइबर, जो कि आपके पेट को भरा रखता है, मैंने पहले बताया था, जिससे कि आपको भूख कम लगेगा। भूख कम लगेगा तो आप कम खाएंगे, कम खाएंगे तो फैट लॉस होगा। अब आते हैं नंबर टू, प्रोटीन रिच फूड्स। जैसा कि मैंने बताया कि स्किनी फैट लॉस के लिए आपको मसल बिल्डिंग करना है, और मसल बिल्डिंग के लिए तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाना है डेली। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आपकी बॉडी है, इसीलिए आपको चेक करना होगा कि आपके बॉडी के लिए 0.8 ग्राम सही है या फिर उससे कम। अगर 0.8 ग्राम में आपका पेट खराब हो जा रहा है तो आप 0.7 ग्राम लीजिए या फिर 0.6 ग्राम लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप 0.8 ग्राम से ऊपर नहीं जाएं। कम से कम 6 मंथ वर्कआउट करने के बाद ही अपने प्रोटीन इंटेक को 0.8 ग्राम से बढ़ाइएगा। कौन यूट्यूबर क्या बोल रहा है, कौन डाइटिशियन क्या बोल रहा है, सबको साइड में रखिए और अपने बॉडी की सुनिए, उसी हिसाब से अपने प्रोटीन इंटेक को रखिए, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड्स में क्या क्या आता है? सोय प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, दाल, बीन्स, सत्तू भी आता है दाल में, और नॉनवेज में सभी जानते हैं एग आता है, चिकन आता है, फिश आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आप कंज्यूम करें प्रोटीन के लिए। अब आते हैं नंबर थ्री, हेल्दी फैट्स। अब ये मत सोचिएगा कि फैट खाने से मेरा फैट लॉस नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फैट खा रहे हैं और कितना फैट खा रहे हैं। अगर अनहेल्दी फैट्स खा रहे हैं, जैसे कि ट्रांस फैट, जो सड़क पे जो कचौड़ी मिलता है ना, उसमें जो तेल होता है उसमें ट्रांस फैट होता है, बहुत ज़्यादा देर जलने की वजह से उसमें ट्रांस फैट आ जाता है। और सैचुरेटेड फैट, जिसमें आता है आपका रेड मीट, वेरी बैड फॉर हेल्थ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट के वो पार्ट को खाएं जिसमें कि फैट कम हो, यानी लीन पार्ट को खाएं। तो ये सब फैट, ट्रांस फैट और ये सैचुरेटेड फैट आपको नहीं खाना है। आपको क्या खाना है? हेल्दी फैट्स, जिसमें क्या आता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट के कैटेगरी में आता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट किस में होता है? ऑलिव ऑयल में। एक मिनट, कौन सा ऑलिव ऑयल? विदेश वाला? नहीं, हमारे देश का ऑलिव ऑयल, भारत का ऑलिव ऑयल, जो कि बहुत सस्ता है, और उसका नाम है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल, जिसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ऑलिव ऑयल से भी ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मस्टर्ड ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा।
हमारे बंगाल के खाने में बहुत इस्तेमाल होता है सरसों का तेल, जो कि बहुत हेल्दी है, इसलिए आप उसे अपने डाइट में ऐड करिए। अब आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो किसमें किसमें हैं? नट्स जैसे कि आलमंड, वॉलनट्स एक्सेट्रा, और सीड्स फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, चिया सीड्स एक्सेट्रा, और नॉनवेज में है आपका सैलमन है, ट्यूना है, बहुत सारे हैं। तो इन सबको ऐड करिए डेली। 30 से 40 ग्राम हेल्दी फैट्स ज़रूर कंज्यूम करें। अब आते हैं नंबर 4, वाटर, पानी, जिसमें कि 0 कैलोरी होता है, तो वो आपको कभी भी मोटा नहीं करेगा। पानी आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और आपके एपेटाइट भूख को कम करता है, जिससे क्या होगा, आप कम खाएंगे, और अगर आप कम खाएंगे तो फैट लॉस होगा। डेली 3 से 4 लीटर तो मिनिमम लिक्विड पीना चाहिए एक एडल्ट को। सिर्फ पानी ही नहीं, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, फ्रूट जूस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये रिकमेंडेड अमाउंट मैंने बता दिया, अब आपके बॉडी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 5, स्लीप। स्किनी फैट लॉस के लिए 6 से 8 घंटा स्लीप मस्ट है। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपके बॉडी में ग्रेलिन रिलीज होता है, जो कि एक हार्मोन है और जिसका काम है आपके शरीर में भूख को पैदा करना। उसे क्या होगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो आपको ज़्यादा खाना ही पड़ेगा, फिर फैट लॉस तो एक सपना बन के रह जाएगा। इसीलिए स्लीप अच्छे से लीजिए। नंबर 6, फाइबर, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके फैट लॉस के लिए, क्योंकि ये आपके पेट को भरा रखता है, जिससे आपको भूख कम लगेगा। इसीलिए आप मेक श्योर करें कि आप अपने डाइट में फाइबरस वेजिटेबल ज़रूर ऐड करें, जैसे कैरोट, बीट, कैबेज। कैरोट और बीट को आप सैलड फॉर्म में खाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको रात को भूख लगने की समस्या है तो आप सोने से पहले लूक वार्म वाटर में 10 ग्राम ईसब गोल ऐड करके लें, जिससे आपका पेट भरा रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगा रात को, और आपको नींद भी अच्छे से आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर फाइबर है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या है उनको भी ये ठीक कर देता है। तो दोस्तों, यही थे कुछ फूड्स जो कि आपको अपने डाइट में ऐड करना है स्किनी फैट लॉस करने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।